तो हेलो दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से हम लोग बेजुबानों को बचाते हुए आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पे नाग नागिन एक मंदिर में आप देख सकते हैं पीछे निकले हुए हैं। भैया कब सांप देखा गया था? हम लोग सुबह में ही आते हैं और यहाँ पे दौड़ने से पहले हम लोग यहाँ गुड़ लगते हैं और यहाँ पे आए हम लोग गुड़ लगे और यहाँ से निकले तो देखे कि दो सांप यहीं पे बैठे हुए थे। दो सांप दोस्तों आप बताने के मुताबिक देख पा रहे हैं, दो सांप निकले हुए थे। और ये प्लेग्राउंड है ये नसीराबाद का, और यहाँ पे सभी बच्चे आते हैं आर्मी एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए, रनिंग के लिए ये मैदान बना हुआ है। क्योंकि सुबह सुबह आते टाइम सबकी आस्थाएं हैं जो कि बाबा से जुड़ी हुई है, तो सब लोग अपना जो है कि पैर माथा टेक के ही, और एक हमेशा उम्मीद रहता है कि हमें मैंने कि हो जाए फिजिकल अच्छा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। उस सांप को मैं निकालता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ, और ये वीडियो काफी रोचक होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं जूता भी जो है कि हमने खोल दिया है ताकि किसी भी आस्था वाली जगह पे जाए तो कम से कम ऐसे अनर्गल काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी सेफ्टी होती है जूते से। फिर भी जो है कि हम लोग जूता को खोल चुके हैं और वीडियो में तक जरूर बने रहे हैं। किधर है ये दिखाइए, तो एक लिपटा हुआ है इसी में ऊपर और एक अंदर भी, इधर से दिखाइए दिखाइए इधर, ये तो नाग है दोस्तों। आप ये सुन पा रहे हैं इनकी आवाज को, देख पा रहे हैं कैसे चढ़े हुए हैं ये। तो चलिए दोस्तों इनको हम निकालते हैं। दोस्तों यही वो सांप है जिसको नाग और फेटार और गेहुअन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देख पा रहे हैं कैसे हम छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार ये इसी में लपेट रहा है अपने शरीर को। काफी आक्रामक सांप है दोस्तों, काफी गुस्सैला भी। चलिए इसे हम यहाँ से नीचे लेके चलते हैं और रुक जाइए, पहले एक को भी और निकाल लेने दीजिए, रुक जाइए। एक दोस्तों आप देख पा रहे हैं मंदिर का अंदर ही है जो कि फन मारे बैठा हुआ है, ये इसे भी निकालने का प्रयास करते हैं। इधर से आइए, काफी गुस्सैला ये नाग है दोस्तों, और वो नागिन जो कि अंदर बैठी हुई है ये है नागिन, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों दो दो सांपों को संभालना एक साथ काफी मुश्किल हो रहा है, आप इस वीडियो में जैसा कि देख पा रहे हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं काफी वेनमस सांप है दोस्तों, काफी जहरीला, अगर ये सांप किसी को काट ले तो एक से डेढ़ घंटे में ही उसकी मौत हो जाएगी। तो कभी भी दोस्तों वीडियो देख के कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि ये आपके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक स्नेक एक्सपर्ट के लिए है। देख पा रहे हैं दोस्तों ये नाग नागिन का जोड़ा, ऐसा दृश्य दोस्तों पहली बार देखने को मिला है ऐसा दृश्य। दोस्तों आप ये देख सकते हैं सांप के लिए दूध रखा गया है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सांप दूध पीता है, उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं लोगों की आस्थाएं हैं जुड़ी हुई हैं ऐसे सांपों से। तो चलिए आखिरकार इनको हम दूध पिला ही डालते हैं और देखते हैं कि ये दूध पीता है कि नहीं। दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं
दूध साथियों सामने रखा गया है, फिर भी जो है कि ये दूध नहीं पी रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि सांप दूध बिल्कुल नहीं पीता है। आप लोग इतने लोग देख पा रहे हैं, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। सांप जो है साथियों ये मांसाहारी होता है, ये मेंढक चूहे इनको खाता है। आप ये देख सकते हैं काफी गुस्सैला नाग थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है, लेकिन नागिन जो है वो काफी और गुस्सैली और आक्रामक होती है। आज के बाद ये ना कहिएगा कि सांप दूध पीता है, क्योंकि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। और चलिए इनको बिना टाइम गवाए पैक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए ले आइए इसे पैक करते हैं, ले ये झोला लाइए। हेलो, जब भी साथियों अगर ये सांप किसी को बाइट कर लेता आप सीधा और सीधा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल ही जाए, क्योंकि वहीं पर जो एंटीवेनम है हमेशा उपलब्ध रहता है, अन्यथा झाड़ फूक में ही लोगों की जान चली जाती है। चलिए दोस्तों इनका मुंह पकड़ के ही पैक करते हैं, क्योंकि आज जो पाइप है हमारा छूट चुका है। एक एक कुकर के हम इसे पैक करते हैं। एक को देख पा रहे हैं, एक पैक हो चुका है, और आइए अब इनको पैक करते हैं। दोस्तों सांपों के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। फ्री हैंडलिंग साथियों जानलेवा हो सकता है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। ये काम सिर्फ और सिर्फ स्नेक एक्सपर्ट के लिए है। और बहुत लोगों को अगर ये लगता होगा कि ये सांप मदाड़ी वाला है, तो आप मैं इसको दांत दिखाने का प्रयास भी करता हूँ। आप इसका जो दांत है देखिए, देख पा रहे हैं कैसे इनके दांत मसूड़ों में छिपे होते हैं। और जैसा ही ये सांप किसी को बाइट करता, देखिए जहर भी आ रहा है ना जहर, थोड़ा सा दिखाई आ रहा है कि नहीं। स्टिक में जो जहर है हल्का पीला होता है साथियों। और चलिए लाइए इन्हें भी फाइनली पैक कर डालते हैं। सांपों का भी पर्यावरण में रहना साथियों काफी जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक नाग नागिन का जोड़ा काफी सेफ तरीके से और सावधानी पूर्वक पकड़ लिया गया है। और ये जगह है हमारा नशीराबाद, और काफी सबके सहयोग से इस सांप को पकड़ा गया है, क्योंकि अगर ये लोग टाइम से हमें सूचित नहीं करते तो फिर ये सांप या फिर कहीं चला जाता। इधर बस्ती है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं गाय जानवर भी इधर है। दोस्तों अगर ये सांप हाथी जैसे भी जानवर को काट ले तो उनकी भी मृत्यु तय है साथियों। तो आप जो है कि सांपों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अन्य लोगों में शेयर जरूर करें, ताकि जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है इसको दूर करने के मुहिम में आप हमारा साथ जरूर दें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी बेजुबान और इंसान को बचाते हुए। धन्यवाद। और एक बार कौन से बाबा है, और एक बार मैं चाहूंगा कि बोले बोले नेटुआ बाबा की।